दबाव में नहीं देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, वो तो करेंगे ही करेंगे, अगर आपने गलत काम किया तो उसका अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। चुनाव के समय इस तरीके की छापेमारी पर सवाल उठता है लगातार कि सरकार में जो रहता है वो इस तरीके की कार्रवाई करके दबाने का प्रयास करता है विपक्ष को, और अखिलेश तमाम दावे कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? ऐसा कुछ नहीं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो कुछ ना कुछ तो पब्लिक के बीच में आएंगे ही ना, सिंपैथी लोगों कैसे पर जरूरी है, यही दिखा के लोगों से कहेंगे कि हमारे ऊपर देखिए रेट पड़ रहा, पर्ची फंसाया जा रहा है, आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, लेकिन जनता तो सब जानती है आज तक। अखिलेश शिवपाल एक होने से कुछ असर पड़ेगा यूपी चुनाव पे? नहीं, तो जनता जानती, पहले भी थे, एक आज भी थे, ये तो बस दिखाने का एक बहाना है। सरकार दबाव में नहीं है, समाजवादी पार्टियों के कर्मी करतूत ऐसी है, इस कारण से सब बातें बाहर निकल आई हैं, और सरकार किसी प्रकार से दबाव में नहीं है। सरकार जो भी काम कर रही है, भली भांति इतना अच्छा काम कर रही है, अपना कार्यकाल पूरा कर रही है, और आने वाले टाइम में भी समाजवादी पार्टियों की जो करतूत है जनता के सामने आएगी, उसके लिए उपयोगी होंगे और उनका परिणाम उनको सामने दिखेगा। चुनाव के समय इस तरीके की छापेमारी पे सवालिया निशान लगता है कि सरकार में जो रहता है वो अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल करता है? नहीं, मेरे ख्याल से तो पब्लिकली मैं तो ऐसा जानता हूँ कि कोई सरकार ऐसा नहीं है कि अपने चुनाव करीब आने पर इस तरह का कोई प्रबंधा अपनाए, ये सब अपने सरकारी डिपार्टमेंट सरकारी कामों का अपना एक तरीका है, इससे सरकार का क्या लेना देना, वो अभी करे चाहे चुनाव बाद करे, चाहे इसके पहले भी कर सरकार कर चुकी है कितनी बार, तो उस समय तो चुनाव था नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार का रूटीन काम है, जहाँ पे जो भ्रष्टाचार वगैरह मिलती है वो सरकार अपने स्तर से भेजती है, हम इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी पुरानी पार्टी है और इस सबसे फर्क नहीं पड़ता है, ये केवल विपक्ष के लोगों का आरोप है और हम इसी को नहीं मानते हैं, और ये सरकारी काम है, सरकार अपने तरह से काम करती है और विभागीय काम अपने तरह से चलती है। बात करें चुनाव की, कुछ दिन में चुनाव होने वाला है, और जिस तरीके से समीकरण तो आरोप लगता है कि सरकार एजेंसीज का इस्तेमाल करती है, तो आपका नज़रिया क्या? आरोप तो हमेशा से लगता रहा है, चाहे किसी की सरकार रही हो, थोड़ा बहुत लगता रहा है, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं, हमारा मानना है कि सरकार अपने ढंग से काम करती है, और सरकार में सभी तरह के लोग कर्मचारी होते हैं, ऐसी बात नहीं होती है, सरकार अपने ढंग से काम करती है। नहीं, चाचा भतीजा मिलने से भाजपा के ऊपर इस वक्त दबाव पड़ गया है, और जब चुनाव आता है तो कई जगह जो है इनकम टैक्स आईटी कई प्रकार के छापा पड़ने लगते हैं, ये मनोबल दबाने के लिए हो जाता है कि अपोजिट पार्टी की मनोबल को दबा दिया जाए। तो कितना असर पड़ेगा इसका चुनाव पे? बहुत असर पड़ेगा चुनाव पे, ये जितना ही करेंगे उतना ही समाजवादी पार्टी ज़्यादा खड़ी होगी। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।